पुनश्च भोगान् विविधान् भुक्त्वा भूमौ प्रजायते छायां जलाशयं ब्रह्म प्रतिष्ठां धर्मसंचयं सर्वं च वित्तवान् कुर्यात् सदा भोगप्रसिद्धये कालात् च पुण्यपाकेन ज्ञानसिद्धि प्रजायते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ गुरु के बारे में। मैंने सारे संबंध बता दिए, गुरु से चंद्रमा, गुरु से सूर्य, गुरु से बुध, गुरु से शनि, गुरु से राहु, गुरु से मंगल, सारे। अब बारी है राहु से शनि का संबंध। इसमें हम ये भी जानेंगे राहु से मंगल, राहु से चंद्रमा। राहु से चंद्रमा के बारे में शायद बता दिया है, नहीं बताया वो फिर से बना देंगे। मतलब अब ये राहु की सीरीज होगी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। मैंने जो कल बात कही थी कि मेरे दर्शक ऐसे हैं जो शेयर करना नहीं जानते, तो कुछ लोगों ने अपने उम्र लिखे हैं। किसी ने लिखा 29 वर्ष का हूँ मैं, 26 वर्ष का हूँ मैं, देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। पर शेयर नहीं करेंगे तो सोच के देखिए कि मेरे यूट्यूब पे कार्यक्रम कम से कम 3,500 से ज़्यादा हो गए और अभी तक मेरे व्यूज़ 1,000 भी नहीं होते। अब इसमें कुछ लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी आप चैनल का थोड़ा सा प्रमोशन कर दो, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ, मैं अपने दिमाग में बात सोचता हूँ कि पहले अपने प्रचार के लिए आप यूट्यूब पे आते हैं, अब यूट्यूब पे प्रचार के लिए आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ये तो प्रक्रिया अजीब है ना, कि पहले मैं अपने घर पर रहता था तो लोगों ने कहा कि आप इंटरनेट पर आ जाइए, यूट्यूब पर आ जाइए, तो चैनल बना लिया। अब इस पे काम करना शुरू किया, अब इस पे एडसेंस लगाओ तो पता नहीं क्या, इसमें अलग तरीके का तिकड़म है। तो मतलब ये पैसे कमाने का बस एक वो है, बाकी तो चीज़ें चलो ठीक है, जिसको आना होगा आना आएगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा, लालच नहीं है, भगवान की कृपा है, काम चल रहा है। आइए विषय पे लेके आते हैं और आज बात होगी राहु से शनि की युति अगर किसी भाव में है या दोनों एक दूसरे से किस भाव में बैठे हैं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ अभी ही बता देता हूं। भगवान वेदव्यास ने लिखा है, शिव पुराण का यह श्लोक है, कि जो धनवान व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा, जो धनवान व्यक्ति है वो अपने पैसों से वृक्षारोपण करवाए। जो आप कहां वृक्षारोपण करवाए, तो जहां कहीं भी खाली जमीन देख ली जो आने वाले 15-20 वर्षों में कई वर्षों तक खाली रहने वाली है, उस जगह पे या अपने क्षेत्र पे उस भूमि पे वृक्षारोपण करे। कुछ भी ना बन पड़े तो सड़क के किनारे, है ना, तालाब, बावड़ी, बागीचा और पगडंडियों के किनारे वृक्ष आवश्यक रूप से लगाए, है ना। इस पे मैं काम करने वाला हूँ और बहुत जल्दी ही काम करने वाला हूँ। मेरा जो ट्रस्ट है ज्योतिषी लक्ष्य वाला, ये वृक्षारोपण में ही काम करने वाला है, है ना। अलग बात है कि मैं उसकी तस्वीरें आप लोगों को नहीं बताता न भेजता हूं, पर कई गांवों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम शुरू किए हैं मैंने अपने लोगों से, अपने पैसों से। उसमें किसी का कोई मैंने एक सिक्का भी नहीं लिया है, है ना। तो वो अपने बचे हुए पैसे से वृक्षारोपण का काम मैंने शुरू किया है। ये पिछले 1 साल से हुआ है, अभी इसको ट्रस्ट का स्वरूप मिलने में कम से कम 2 साल और लगेगा, पर इसको मैंने शुरू किया है। इसमें लगाए गए हैं आम, शरीफा, नींबू, कटहल और इसके साथ बरगद, ये इतने सारे वृक्ष लगाए गए हैं, पर इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से इससे लोगों को प्रेरणा मिले, इसलिए बताना जरूरी है। ये शिव पुराण की बात है, इस वजह से ये बात निकली तो मैंने कह दिया, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आइए, राहु और शनि जब एक साथ किसी भी भाव में बैठेंगे तो वो दोष युक्त भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि वो जहां कहीं भी युति में बैठे हों सिर्फ एक कंडीशन में होने चाहिए,
और वो सूत्र ये है, वो कंडीशन ये है कि वो दोनों ग्रह किसी विषम संख्या की राशि में बैठे हों, या दूसरा, या जिस वो भाव में बैठे हैं शनि और राहु एक साथ, उस भाव का स्वामी कम से कम या तो उस भाव से चौथे, कम से कम या तो उस भाव से दसवें, या तो कम से कम उस भाव को देख रहा हो। बस ये दो शर्त है। अगर राहु और शनि एक साथ किसी भाव में बैठे हैं, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि कुछ ऐसे ही इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे उस भाव से। अगर धर्म भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति का भाग्यशाली, धार्मिक, यथोचित अपने से बड़ों का सम्मान करना। अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो ये लंबी बीमारी के साथ साथ साहस भी देते हैं और उसको कहीं ना कहीं से सहयोग की प्राप्ति भी होती रहती है। ऐसा होता है, मतलब इनके जो एक साथ युति के परिणाम किसी भी भाव में होंगे, वो अगर ये दो तीन सूत्र उस पे फॉल करता है कि भाव का अधिपति उसे देख रहा है, या वो विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, या जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति उससे चौथे या दसवें बैठा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शनि राहु मान लीजिए बैठे हैं 3 नंबर की राशि में, तो बुध कहाँ बैठा होना चाहिए? या तो यहाँ बैठा होना चाहिए, या तो उससे दसवें, या तो इस युति से चौथे, है ना? ये स्थिति होनी चाहिए, तब ये राहु और केतु आपको अशुभ परिणाम नहीं देंगे। अन्यथा ये इतने ज्यादा पेर देते हैं कि आपको धर्म का सुख नहीं मिलता, आध्यात्मिक उन्नति बाधित होती है, कंसंट्रेशन कमजोर होता है, पितृदोष का निर्माण करते हैं, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है, और व्यक्ति सदैव अपने कारोबार और अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के भटकाव में रहता है। इतना ही नहीं, कई बार ये लंबी बीमारी और समाज से एक तरीके से निष्कासन का दंश भी झेलने पे विवश कर देते हैं। ये तो युति की बात रही। अब बात होगी कि राहु से शनि दूसरे और शनि से राहु 12वें। तो राहु से शनि दूसरे अशुभ परिणाम देते हैं, राहु से शनि दूसरे भाव में अशुभ परिणाम देते हैं, धनहानि, मानसिक विकृति, लंबी बीमारियां, कठोर बोलना, संतान और दाम्पत्य, इसके नुकसान होंगे। राहु से शनि दूसरे और शनि से राहु 12वें। 12वें राहु अगर होंगे शनि से आपकी कुंडली में, तो इसके कुछ शुभ परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा भ्रम से ही सही, पर व्यक्ति को कम से कम उस भाव का फल मिल जाता है ना? मतलब शनि से अगर राहु 12वें बैठे हैं तो ये कुछ हद तक अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन राहु से शनि अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो ये नुकसान देने वाले हो जाते हैं। दूसरा, राहु से शनि तीसरे भाव में अगर बैठे हैं तो ये कैसा होगा? ये भी क्रमशः नुकसान का ही एक कारण बनता है। यहां व्यक्ति को दिक्कत होती है, उसका परिणाम उसको समय से नहीं मिलता है। वो प्रायः इस बात की शिकायत करता है कि मुझे मेरे मेहनत का फल नहीं मिलता, क्रेडिट किसी दूसरे को मिल जाता है, कम्युनिकेशन पे गड़बड़ी होती है, और व्यक्ति को खूब मेहनत करने के बाद उसको थोड़ा फल मिलता है। राहु से शनि अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो ये कई बार व्यक्ति के व्यवहार को अकुशल तो नहीं बनाते, पर वो सत्य बोलने के कारण कई बार दूसरों से दुश्मनी कर बैठता है, या लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, संतान से मतभेद, अव्यवहारिकता और नौकरी में घिसने की स्थिति पड़ जाती है, बहुत ही ज्यादा रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ उसका फल प्राप्त होता है। चौथे नंबर पे राहु से शनि का चौथे भाव में बैठना ये ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसी अवस्था में शनि की दृष्टि राहु पे जाएगी और ये स्थिति उस भाव को बहुत ही ज्यादा डिग्रेडेशन में लेके जाती है। राहु से अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में शनि बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर बनाने का दबाव बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, आपका टेस्ट गड़बड़ होता है, गलत मैत्री में जाते हैं, पैसे अटकते हैं, व्यापार में नुकसान होता है, व्यापार में माल धरा का धरा रह जाए, काम आगे बढ़े ही नहीं, और कई बार तो व्यक्ति के आंतरिक मतभेद इतने ज्यादा होते हैं कि वो दूसरों की समस्या का हल ढूंढ ही नहीं पाता है। न तो अपनी समस्या का हल उसको आसानी से मिलता है और न तो दूसरों की समस्या का, या वो प्रायः सफोकेट हो जाता है परेशानियों से। विचित्र विचित्र घटनाएं उसके जीवन में घटित होते रहती हैं। इतना ही नहीं, उसके जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है।
नौकरी, माता पिता, स्वास्थ्य, करियर और बहुत सारी चीजें, ये ठीक नहीं होता। राहु से पंचम भाव में शनि कुछ कुछ अच्छे परिणाम भी करते हैं और कुछ इसके बुरे परिणाम भी, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि काफी हद तक थोड़ा सामान्य परिणाम इसका मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज्यादा बुरा नहीं, ये एक बैलेंस परिणाम देखने को यहां मिल जाता है। एजुकेशन में, संतान में, संपत्ति में, बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, सांसारिक सुखों में, दाम्पत्य में, परिवार में और स्वास्थ्य में, विशेषतया आप जिस भाव में वो राहु शनि बैठे हैं उस भाव से संबंधित स्वास्थ्य के अंग में, मतलब शरीर के अंग में ये कष्ट देते हैं। लेकिन राहु से शनि वैसे व्यक्ति को कम से कम न्यायप्रिय और निर्विवादी जरूर बना देते हैं, वो झगड़ालू नहीं होता और दूसरा सत्य बोलने वाला होता है, सत्य का साथ पकड़ने वाला होता है। इसके कुछ हद तक अच्छे परिणाम उस व्यक्ति के जीवन में उसके संघर्ष को लेकर के होता है, जहां वो कई बार समझौता नहीं करना चाहता है और उसको उसी समझौता के कारण नौकरी और पद से परित्याग करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं कि गलत लोगों को संघर्ष में या गलत लोगों को सहयोग नहीं देने के कारण उसके जीवन में चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है। इस तरीके के परिणाम राहु से शनि छठवें ये कमजोर परिणाम देते हैं, लेकिन इसके कुछ हद तक अच्छे परिणाम नौकरी में, साहस में, बल में, पराक्रम में, धैर्य में, चिंतन में, व्यवहारिकता में और प्रैक्टिकलिज्म में अच्छा परिणाम मिल जाता है। नुकसान होता है स्वास्थ्य में, नुकसान होता है दाम्पत्य में और नुकसान होता है आपके दिनचर्या में। इतना ही नहीं, कई बार ये आपके करियर में और आपके पिता के साथ संबंधों को भी कमजोर करने के कारण बन जाते हैं। राहु से शनि का छठवें भाव में होना विशेषतया आपके बाह्य पर्यावरण और बाहरी प्रभावों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यहां पे आपके आंतरिक प्रभावों को प्रभावित करते थे, यहां वो आपके बाहरी मतलब सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। राहु से शनि का सातवें जाना ये भी सामान्य परिणाम ही देता है। यहां इस बात की स्थिति होगी कि कम से कम इन दोनों ग्रहों के ऊपर एक एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, अगर नहीं पड़ेगी तो ये प्रतियोग का संबंध कहा जाता है, ये कमजोर हो जाएगा। अगर राहु और शनि आमने सामने बैठे हैं तो कम से कम कहीं से भी एक गुरु या एक बुध या चंद्रमा या शुक्र इन्हें देखते हों, दोनों ही ग्रहों को, अगर इन दोनों ग्रहों में से किसी एक के ऊपर अगर दृष्टि पड़ रही है शुभ ग्रह की तो हल्का ठीक है, अगर दोनों के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पूरा ठीक है। लेकिन बिना दृष्टि के ये दोनों ही ग्रह जब आमने सामने हो जाएंगे किसी भी भाव में तो परेशानी का नया अध्याय लिख देते हैं। यहां आपको आपके चरित्र पे, आपके कार्य कुशलता पे, आपके डिग्निटी पे, आपकी लायबिलिटीज, ये सब आपको कमजोर करने के लिए परेशान करने वाले हो जाते हैं। राहु से आठवें घर में शनि भी रोगजनक बीमारियां, लंबी बीमारियां, खतरा और यात्रा में नुकसान, अनजाने अपरिचित लोगों से नुकसान, घर में चोरी का खतरा, सामान गुम हो जाने का डर और प्रोजेक्ट को सही समय पे फुलफिल नहीं करना और अपने से बड़ों का अनादर हो जाना या उनसे किसी भी प्रकार का कोई सुख प्राप्त न होना, इस तरीके का नुकसान राहु से आठवें घर में शनि कराते हैं। राहु से नवम घर के शनि काफी हद तक व्यक्ति को तीव्र और कठोर धार्मिक बना देते हैं। यहां उसका दर्शन कई बार लोगों को सूट नहीं करता है। यहां उसकी किताबें जो लिखी गई हैं वो लोगों को कुछ अलग दृष्टिकोण दे जाती हैं। राहु से शनि नवम व्यक्ति को विख्यात, कई बार अलग तरीके से और गंदी तरीकों से गंदी चीजों के लिए भी विख्यात करता है। यहां व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार अधार्मिक होते हुए भी देखा जाता है। अगर वो दान करेगा तो लोगों को बताएगा, अगर वो कुछ भी करेगा सामाजिक लेवल पे तो वो सबको बताएगा कम, करेगा कम, दिखाएगा ज्यादा, दान कम करे प्रचार ज्यादा करे, इस तरीके की प्रवृत्ति राहु से शनि की अगर नवम भाव में स्तुति या स्थिति बनती है तो होती है।
राहु से दशम स्थान के संबंध में बहुत अच्छे संबंध देखे जाते हैं। इसका लाभ करियर में, पद में, प्रतिष्ठा में, दाम्पत्य में, भवन भूमि वाहन में, इतना ही नहीं संतान में, संतति की प्रोग्रेस में, और ये हर जगह आपको फायदा ही फायदा दे जाते हैं। राहु से शनि का एकादशवें भाव में बैठना भी बहुत अच्छा होता है, पर व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, उसको आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती, उसको पैतृक संपत्ति में नुकसान होता है, आयु लंबी होती है पर स्वास्थ्य में परेशानी होती है। इतना ही नहीं, कई बार उसके मतभेद उसके बड़े पिताजी, बड़े मामा, बड़े भाई और बड़े सज्जनों से हो जाते हैं। यहाँ उसका प्रभाव समाज में बड़ा ही कमज़ोर सा रहता है और इन लोगों का सुख उसे प्राप्त नहीं होता है। राहु से शनि का 12वें जाना व्यक्ति को ऋणी बनाता है, कठोर बनाता है, जिद्दी बनाता है, हठी बनाता है और विवादित बनाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको कई बार अपनी ही वस्तु के लिए दूसरों से संघर्ष भी करना पड़ता है। यहाँ दाम्पत्य में शारीरिक संबंध कमज़ोर, शारीरिक सुखों की प्राप्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े स्वभाव का भी होता है और माथे में दर्द, हेडेक आदि चीजों से परेशान रहता है। यह है राहु और शनि आपकी कुंडली में। अगर ये ऐसे बैठे हैं तो मिला जुला या सही काफी हद तक ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।